हिस्ट्री की पहली झलक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इस ट्रिप में, ये ट्रिप फुल्ली मोटिवेटेड है एक मूवी से, हाईवे मूवी। और उसमें जो जो जगह, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कौन सा जगह शूट हुआ है, बट मोर और लेस दीज प्लेसेस वर टच्ड। सो मैं भी उसी इंटेंशन से ये ट्रिप कर रहा हूँ। सो बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से कि फाइनली आई मेड इट टू की मॉनेस्ट्री। मैडम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और कुछ नहीं। सो हम आ गए हैं की मॉनेस्ट्री। व्हाट अ ब्यूटी। थोड़ी सी चढ़ाई और एज यूजुअल थोड़ी सी सांस फूलते हुए। मैडम जी थक गई। सो ये है रास्ता की मॉनेस्ट्री आने का। और ये सुंदर से खेत, सामने स्पीति नदी और ये स्पीति के पहाड़, और ये है मॉनेस्ट्री। आइए अंदर चलते हैं। सो आपको अगर सांस की प्रॉब्लम है, दमा है, तो थोड़े सावधानी से आए यहाँ पे, प्रिकॉशन लेते हुए। हाई अल्टीट्यूड में ऐसे भी थोड़ा सा सांस फूलता है। और हम ठहरे शहरों में रहने वाले आदमी, दिन भर सिर्फ चेयर टेबल में बैठे रहते हैं, न एक्सरसाइज न कुछ, उनका तो सांस फूलेगा ही फूलेगा भाई। और ये एक और नज़ारा, ब्रेथ टेकिंग। मुझे पता नहीं अंदर शूट करना अलाउड है कि नहीं, चलते हैं और पता करते हैं। मैडम का पूरी तरीके से धुआं निकल चुका है। सो एज एक्सपेक्टेड, फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेम्पल, सो वी आर नॉट गोइंग टू शूट। आपको यहीं से दिखाते हैं। सो दिस इज द की गोम्पा प्रेयर हॉल, दिस इज द टेम्पल। पुराना किचन, आज से 700 साल पहले का किचन। 700 साल पहले इसके अंदर वो मिट्टी का बनाए थे ना, पुराने जमाने का जब खाना बनाते थे ना इसके अंदर। अब ये तो बस आयरन तो लोहा था। अच्छा, ये मैं समझ गया, जैसे नीचे से लकड़ लगा के आग लगा के फिर ऊपर रखते थे। अब ये तो सेफ्टी के लिए कवर किया ना इनका। अब हमारा किचन जो है नीचे शिफ्ट कर दिया, मेन किचन, क्योंकि साल में साल बच्चे वगैरह बोल रहे हैं ना मॉन्क्स ना, यहाँ पे 150 से ज्यादा लोग हैं। अच्छा जी,
तो ये विजिटर्स के लिए चाय प्रसाद नहीं बड़े अच्छे हैं। ठीक है, सो ये है तेंजिंग लामा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा लामा। थैंक यू जी। नेक्स्ट टाइम आए तो फिर आप जरूर कॉल करके आना। जरूर 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 आएंगे। और ये श्योर। और हाँ बताइए, ये किचन है हमारे जी जो 180-200 के आसपास लामा है मंस जी, उनके लिए फिर खाना यहाँ बनाते हैं। अच्छा हाँ जी। ये बड़ा सा कुकर देखिए, और ये देखिए बर्तन, आग ये जो वुड के जो फायर लगाते हैं हम लोग जी, तो इस आग से हमने पानी गर्म करते हैं जी और चाय बनाते हैं। अच्छा, तो चाय तो हमने टेस्ट किया, वो बहुत ही अच्छा था। और कोविड की वजह से यहाँ पे ये लंच बंद है, नहीं तो 250 रुपीस में जो लामास के लिए जो खाना बनता है वो बाहर के लोग भी आके खा सकते हैं। सो होप कि जल्दी से ये कोविड का समय ख़त्म हो और फिर से नॉर्मल टाइम शुरू हो जाए। जी ठीक है लामा, थैंक यू सो मच। सो ये है की मोनेस्ट्री से व्यू। सो आप बाहर फोटो खींच सकते हैं, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सो यहाँ के जो लामा थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया हिस्ट्री के बारे में और करंट जो अभी नेक्स्ट जो बुद्धा आने वाले हैं उनके बारे में भी, मैत्रेय जो बुद्धा हैं उनके बारे में बताया। सो काफ़ी अच्छा लगा जान के। और ये ब्लू स्काई एंड ये शांति बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है, और वी आर वन ऑफ द लकी पीपल। एंड हम रेकमेंड करेंगे आप कभी भी मौका मिले लाइफ में यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए, अलग शांति मिलेगी आपको। सो फॉर नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम की मॉनेस्ट्री, स्टे ट्यून्ड विद अस। सो हमारा की मॉनेस्ट्री का दर्शन बहुत ही अच्छा रहा। तो ये देखो मैडम जी का हाथ शक्ल भी दिखा दो मैडम जी फिलहाल इनको सरदर्द कर रहे हैं, तो थोड़ा एल्टीट्यूड सिकनेस भी होता है, बट थोड़ा रेस्ट लेने पे ठीक हो जाएगा। सो मॉनेस्ट्री के बारे में बताऊं तो यहाँ के अंदर के जो लामास हैं बहुत अच्छे हैं, बातचीत में मतलब लगता ही नहीं कि आप मतलब पहली बार उनसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करने में। हमसे जिनसे बात हुआ तेंजिंग लामा, वो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मॉनेस्ट्री के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में बताया। सो लास्ट में हम किचन के अंदर भी गए जहाँ पे लामास का खाना बनता है। देन हम मेडिटेशन सेंटर पे भी गए, सेंटर क्या मेडिटेशन केव है बेसिकली, नॉट एवरी वन गोज देयर, मतलब अब वही है ना, वंस यू इंटरैक्ट विद द लामास यू कम टू नो, राइट। सो वहाँ हमने बैठ के 5-7 मिनट मेडिटेशन भी किया, एंड ट्रस्ट मी लाइक आउट ऑफ द बॉक्स फीलिंग आएगा आपको, एक पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं ना, और एक भी बाहर का आवाज़ नहीं, सिर्फ आपके सांस की आवाज़, वो भी आप अगर आप जोर से ले रहे हैं तो ठीक है, एल्स इसलिए बोलते हैं ना पुराने जमाने में मेडिटेशन करते ही रह जाते करते रह जाते, तो दिस इज द रीज़न। तो वो स्पेशली डिजाइंड केव्स हैं अंदर में जहाँ पे बैठ के आप सोलो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ग्रुप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दैट वाज वन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन रिफ्रेशिंग पार्ट इज द टी विच दे ऑफर। आप अंदर जाएंगे आपको बुला के सबसे पहले वहाँ पे एक चाय पिलाया जाएगा जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ट्रस्ट में जाते वक्त मेरा सांस फूल रहा था, वो चाय पीने के बाद मैं बाहर निकला, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, एकदम थकान नहीं, कुछ भी नहीं, चलने में भी कुछ सांस में दिक्कत नहीं आ रही थी। एंड साथ में एक सत्तू देते हैं वो लोग, दैट इज देयर प्रसाद, सो वो सत्तू लीजिए खाइए। और अभी मटर का सीजन था, सो दे ऑफर्ड अस मटर एज वेल, बहुत ही मीठे मटर थे। सो ओवरऑल की मॉनेस्ट्री इज अ मस्ट विजिट प्लेस, एंड आप आइए, थोड़ा टाइम लेके आइए, मतलब बस ऐसा नहीं कि आ रहे हैं काजा से और आगे की तरफ जा रहे हैं, तो बस थोड़ा टाइम लेके आइए। और सो ओवरऑल वाज गुड, एंड अभी हम निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ टुवर्ड्स लांगजा कॉमिक एंड हिकिम विलेजेस। ठीक है, विल कीप यू पोस्टेड, बाय बाय।
Thank you.